एक बच्चे को उसका वालिद बहुत मारता था, बड़ी पिटाई करता था। वो पंजाबी में कहते हैं ना गिद्दड़ कोट, जैसे गिद्दड़ों को मारा जाता है ऐसे ही पिटाई होती थी इस बच्चे की। लेकिन वो अपनी एक हरकत से पास नहीं आ रहा। इस बच्चे का नाम अताउल्ला ईसा खेलवी है। ये ईसा खेल का स्टार है बहुत बड़ा, जो पूरी दुनिया पे रोशन कर गया पाकिस्तान का नाम। और इसको गिद्दड़ कोट मारन वाला इसका बाप अहमद खान नियासी है। आज का हमारा मौसू अताउल्ला ईसा खेलवी और इमरान खान की यारी है। अताउल्ला ईसा खेलवी की अजीबो गरीब दास्तान, हैरत अंगेज दास्तान आज के ब्लॉग में शामिल है कि कैसे उस बच्चे ने घर छोड़ा, घर से भागा, कैसे उसने ट्रक ड्राइवरी शुरू की, कैसे उसने मजदूर बन के मिस्त्रियों के पीछे ईंटें पकड़ाई, कैसे वो सर्विस स्टेशन पे ट्रक धोने वाला बन गया, और कैसे अपने जुनून को उसने ताबीर दी। आज 19 अगस्त है, ये दिन है लाला अताउल्ला ईसा खेलवी की पैदाइश का। मियांवाली के मोहल्ला भिमरा में अताउल्ला नियासी, अताउल्ला ईसा खेलवी 19 अगस्त को पैदा हुए। इन दिनों अताउल्ला ईसा खेलवी शदीद बीमार हैं और लाहौर के जिनाह हॉस्पिटल के में एडमिट हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है सबसे पहले कि इस छोटे से बच्चे को, वो आज भी बच्चा ही है यार, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए रब। ये बच्चा आटे वाली चक्की पर आटा पीसता और बेचता था। इसने एफए तक एजुकेशन अपने शहर ईसा खेल से ही हासिल की, लेकिन फिर भाग गया। आटे वाली चक्की पर आटा पीसता और बेचता था ये बच्चा अहमद खान नियासी का पुत्र, साथ साथ गाता था। उसे जुनून था, उसे इश्क था गीत से, संगीत से। लेकिन उसका बाप कहता था ये मरासियों वाले काम हैं, वही मरासी जो हमारे लिए बड़े काबिले एहतराम हैं, लेकिन हमारे ये देही लोग पता नहीं क्या समझते हैं क्या। सात वाली चक्की पे नजरा बैठा होता था, नजरे ने आके घड़ा बजाना, या वो पड़ोपी जिसमें आटा डालते हैं वो बजानी, और अताउल्ला ईसा खेलवी ने गाना। अहमद खान नियासी का चक्कर लगना तो उसने आके डंडे बरसाने, जूता बरसाना कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अताउल्ला ईसा खेलवी की वालिदा उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो जब अपनी हवेली में रात के वक्त मर्दाना साइड पर, बड़े बड़े घर होते हैं ना देहात में, एक साइड जनाना साइड है, एक वो घर वाली साइड जो होती है, और एक हवेली बनाई होती है साइड पे, सामने फ्रंट पे कुछ फासले पे जहाँ सिर्फ मर्द बैठते हैं, उस साइड पे उसकी वालिदा ने एक ऐसा बल्ब लगा के दिया अताउल्ला को कि जब वो वालिदा ऑन करती थी उस मखसूस बल्ब को, तो अताउल्ला ईसा खेलवी और उसके दूसरे साथी जो गाने बजाने का शौक रखते थे, उन्हें पता चल जाता था कि अब उन अताउल्ला का बाप अहमद खान हवेली में आ रहा है, इसलिए सब भाग जाते थे। वो साजो सामान गीत संगीत का सारा छुपा दिया जाता था। ये पिटाई का सिलसिला जारी रहा। फिर अल सदफ जनरल स्टोर के नाम से एक दुकान बना ली गई। ये दुकान भी अताउल्ला ही चलाता था।
अताउल्ला और उनका छोटा भाई सनाउल्ला। इस शॉप पे भी अताउल्ला इस्सा खैरवी को डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, क्योंकि जब बाप नहीं होता था तो अताउल्ला गीत गाता था, उसकी आवाज में सोज था। ये सोज कहां से आया? उसकी मुंह बोली मंगेतर। अब आप सोचेंगे मुंह बोली मंगेतर क्या हुई? उसकी वालिदा ने अपनी एक अजीजा की बेटी, जब वो पैदा हुई और अताउल्ला अभी छोटा था, तो उनकी मंगनी कर दी। मंगनी हमारे देहात में अक्सर हो जाती है बच्चों की, पैदा होते ही कि मैं तेरे को धी मांग लिया, तू मेरे को पुत मांग लिया, ये मंगनी, बस इससे आगे नहीं। लेकिन अताउल्ला ने जैसे ही होश संभाला तो उस लड़की को अपना इश्क कह दिया कि मेरा तू इश्क है, मेरा जुनून है। लेकिन उसके वालिदैन ने अताउल्ला की बजाय उस खातून का रिश्ता कहीं और कर दिया, तो ये रोग बन गया। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। अताउल्ला इस्सा खैलवी इसी गजल से मशहूर हुए। ऐसे के बाद अताउल्ला पिटाई होती थी जितनी, उससे बागी हो गए और घर से भाग गए, सरगोधा चले गए। उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग ट्रक ड्राइवर हैं, आज भी हैं। ये ट्रक ड्राइवर लाहौर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर पेशावर तक एक एक सड़क पे फिरते हैं। और वो अताउल्ला इस्सा खैरवी का गीत है ना, उंज पिंडी ते पेशावर लगा जाना है, वे इस्सा खैर दूर था नहीं। ये उसके बचपन से, उसके लड़कपन से बहुत से गीत फूटे हैं जो उन्होंने खुद मुख्तलिफ शोरा से लिखवाए। हमारे दोस्त हैं अफसर आजिज, कमीज तेरी काली नी सोने फुलां वाली, मता इससे गड्डी ते आ जावे सावन किणी मेणी, बहुत सारे गीत अताउल्ला इस्सा खैरवी के, बहुत सारे गीत दुनिया में मशहूर है। वो मजबूर साहब एक शायर थे, आडा साहब एक शायर थे। इन शोरा को, इन सराय की शोरा को भी नई जिंदगी मिली अताउल्ला इस्सा खैरवी के गीत से। 661 दुनिया भर में आज भी दस्तियाब है अताउल्ला इस्सा खैरवी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इस्सा खैरवी का, अताउल्ला इस्सा खैरवी का, कि जिसके बाप ने उसे कहा कि ओए तू अताउल्ला अपने नाम के नाल न्याजी नहीं लिखना, तू साडे खानदान नू गंदा कर दिता। कोई की कहेगा कि न्याजियां का मुंडा है ये? जो है मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या दूसरे लोग इमरान खान को न्याजी कहते हैं, भला क्यों? क्या रेफरेंस होता है इसके पीछे? वो न्याजी जिसने बांग्लादेश में हथियार डाले थे, ये होता है जनरल न्याजी, कि ये उसी तरह का बुजदिल है इमरान खान। लेकिन इमरान खान ने साबित कर दिया यार, हम जैसे मुखालफों पे साबित कर दिया कि यार ये तो खड़ा होने वाला बंदा है। ये अलग बात वो सच पे है, वो झूठ पे है, ये अलग बात कि वो उसकी सियासत गंदी थी या अच्छी थी, वो तो खड़ा हो गया यार। और हमने हमेशा दलेरों की बहुत इज्जत की है, बड़ी मोहब्बत की है उनसे। उस इमरान खान के इक्तदार से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक उसकी मुखालफत की है हमने, डट के की है, पहले से ही उसकी सियासत के खिलाफ थी। इसे सियासत नहीं आती, ये रिफाई और फलाई काम करे, ये हमारा हीरो है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह इसलिए न्याजी कहते हैं इमरान खान को। लेकिन अताउल्ला न्याजी के बाप ने कहा कि मेरे खानदान का नाम तुम इस्तेमाल नहीं करोगे अपने नाम के साथ, तो उसने कहा ठीक है मैं न्याजी नहीं बनता, मैं इस्सा खैरवी तो हूं ना, तो उसने अपना नाम ही अताउल्ला इस्सा खैरवी रख दिया। ये गीतों का शहजादा 1972 में इसे बहावलपुर रेडियो ने पहला चांस दिया।
उससे पहले इसने ट्रक चलाए, इसने कराची में 10 रुपए का कमरा लेकर वहां मजदूरों के साथ अपना जीवन बताया, ईंटें उठाई, इसने सड़कों पर मजदूरी की, लेकिन बास नहीं आया, अपनी आदतों से बास नहीं आया। घर से जब निकला था तो वो जो तन के कपड़े, वो जो कंधे पे एक शॉल, जो हमारी सराइकियों की या पंजाबियों की शान है, एक चप्पल और चंद सिक्के जेब में जो मां ने पकड़ाए थे, ये लेके निकला था इसा खेल से, मियां वारी से अताउल्ला इसा खेल भी। लेकिन लेकर क्या कुछ गया, मियां वाली को कितना रिच किया, इसा खेल को कितना रिच किया, ये बहुत बड़ी कहानी है। इश्क में डूबा हुआ, रोता हुआ, मजदूरी करता हुआ, मेहनत करता हुआ, ट्रक चलाता हुआ, ट्रक धोता हुआ, ये बंदा, ये अताउल्ला इसा खेल भी, जिसने बचपन में चक्की पर दाने पीसे हैं, गंदम पीसी है, मकई पीसी है, ज्वारें पीसी हैं, जो बचपन से ही मेहनत कर रहा था। इस बंदे की तब सुनी गई जब चौधरी रहमत लायलपुर वाले, रहमत ग्रामोफोन वाले, फैसलाबाद वाले, यूं कह रहे लायलपुर का कई लोगों को समझ नहीं आती, हालांकि उसका नाम लायलपुर कितना खूबसूरत नाम था यार, इन्होंने पता नहीं फैसल से क्या ले लिया था जो उसे फैसलाबाद कर दिया। चौधरी रहमत ने आवाज सुनी अताउल्ला इसा खेलवी को की और अताउल्ला से कहा कि मैंने तुझे रिकॉर्ड करना है, एक नहीं कई वॉल्यूम उसके केसेट रिकॉर्ड किए गए, वो केसेट यूं फैले दुनिया में और यूं अताउल्ला इसा खेलवी पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, उसके चर्चे ही हिंद सिंध तक फैले। वो कहते हैं एक बात बनाई हुई है अताउल्ला के हवाले से कि वो उसने सिर्फ फलस्तीन और इसराइल में जाके गीत नहीं गाया, बाकी पूरी दुनिया में गीत गाया, वो गाता नहीं है, वो दुनिया को नचाता है। वो जब कहता है खत लिखा तो लिख के मैं पाड़ देनी है, तो दुनिया नाचती है, झूमती है, कमीज तेरी काली कहता है तो नारे लगते हैं, हाल मेले आबाद हो जाते हैं, जिंदगी का एहसास होता है। बहावलपुर रेडियो से पहला चांस इस अजीम फनकार को मिला जो आज बीमार पड़ा हुआ है जिनाह हॉस्पिटल में, लाहौर के जिनाह हॉस्पिटल में, और फिर ये शोहरत इतनी आम हुई कि पहले हुकूमत पाकिस्तान को अताउल्ला इसा खेलवी को अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी देना पड़ा और फिर सितारा इम्तियाज देना पड़ा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बरतानिया की मलका को, मलका ने अताउल्ला इसा खेलवी को दिया। ये इतना बड़ा फनकार कि अब मियां वाली इसा खेल या सरायकी पट्टी में कहीं भी चले जाएं, हर कोई इसा खेलवी बनने की कोशिश में है, हर कोई अताउल्ला बनने की कोशिश में है, हर दूसरे घर का कोई ना कोई लड़का शौकीन है गीत गाने का, कैसेट रिकॉर्ड करवाने का, यूट्यूब भरा हुआ है सरायकी गीतों से, मुख्तलिफ गुलूकारों के गीतों से। और वो एक चोर का बच्चा, उसका भी जिक्र आ ही गया तो करीब जिशान रोखड़ी, बड़ा बाप था उसका शिफावला रोखड़ी, उसने मेरा सफ़ी का, आपके सफ़ी का शेर चोरी किया, वो मेरा शेर है, पूरा दिन मैं हंसिया नहीं सी, फिर ना आखी दसिया नहीं सी, उसने तेरे बाजू हंसिया नहीं सी, फिर ना आखी दसिया नहीं सी करके गीत बनाया, यूट्यूब पर चढ़ाया और मिलियंस व्यूज पहले ही हफ्ते आ गए। ये चोर है, कुछ चोर भी होते हैं, लेकिन अताउल्ला इसा खेलवी एक खरा सिंगर, 5 शादियां की, 3 को तलाक हो गई, बादगा से 85 में शादी की, फिल्म स्टार बादगा से, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, उसमें से 3 बेटे हैं, सांवल, बिलावल और लारे,
ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हुई लारे, नो टाइम फॉर डाई जेम्स बॉन्ड की एक नई जो फिल्म आई 1922 में, उसकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारा काम लारेब ने किया जो लंदन होती है अपनी माँ के पास, और प्राउड करते हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी अपनी बेटी पर। सियासत में आए अताउल्लाह ईसा खेलवी की सियासत को एक नज़र देखें तो ईसा खेल से लेकर वो लाहौर तक जुल्फकार अली भुट्टो का दीवाना था। पीपल्स पार्टी उसकी हड्डियों में, उसके जोड़ों में, उसके ब्लड में शामिल थी। लेकिन जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा तो इमरान खान खुद चल के अताउल्लाह ईसा खेलवी के घर गया। उससे पहले 92 में जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता तो अताउल्लाह ने तब भी इसके नारे, इसके तराने बनाए। जब इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्टल के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की तो अताउल्लाह ईसा खेलवी उसके कदम बकदम होता था, साथ साथ, लेडी डियाना साथ, अताउल्लाह ईसा खेलवी साथ, बहुत सारे नए सिंगर, नए लड़के लड़कियां इमरान खान के साथ। पूरी दुनिया में एक जुनून था कि हमने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना है। हम भी जितने योग्य थे इस हद तक इमरान खान के साथ थे, उनके फलाई और रिफाई कामों पे हम सदके मारी हैं। हमें उससे इख्तलाफ यही था कि इन्हें सियासत नहीं आती, ये नहीं कर सकता। फिर आपने देखा, बहुत कुछ देखा, इमरान खान खुद अताउल्लाह ईसा खेलवी के घर गए और जाके कहा मैं सियासत तब शुरू करूंगा जब तुम मेरे साथ हो। एक ही गांव के, एक ही इलाके के ये लोग सियासत में आए। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने इमरान खान के लिए तराने गाने शुरू किए, और वो तो आपने सुना ना, 2013 में जो अताउल्लाह ईसा खेलवी ने रिकॉर्ड किया इमरान खान के लिए, जो धरनों में भी बजता रहा, जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान का जो लफ्ज़ यूज करते हैं इमरान खान, जो नारा देते हैं, वो नारा इसी गीत से निकला, वो मजहर साहब है कोई, उन्होंने लिखा, अच्छे शायर हैं, मैं उनको ज्यादा नहीं जानता इसलिए ज्यादा उन पर बात नहीं की जा सकती। ये है सियासत और ये है यारी इमरान खान की अताउल्लाह ईसा खेलवी की के साथ। लेकिन दुख है, अफसोस है कि वो अताउल्लाह जो अब 73 बरस का हो रहा है, ये एक साल का ही फर्क है, 1952 में इमरान खान पैदा होते हैं और 1951 में 19 अगस्त को अताउल्लाह ईसा खेलवी पैदा होते हैं। वो जब से बीमार हैं पीटीआई को होश नहीं है, इसी बात का दुख है कि एक स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से, चाहे वो जेल में ही है, एक स्टेटमेंट पीटीआई की तरफ से उस अजीम फनकार के लिए जिसने दुनिया ही बदल के रख दी, जिसने स्ट्राइक की गीत को इतना नामवर कर दिया कि हमेशा के लिए जिंदा हो गया। पहले कौन सी इतनी बड़ी आवाज थी स्ट्राइक की, स्ट्राइकी दोस्त ही बता दें, चंद आवाजें, वो भी मधुम। एक बड़ी आवाज आई अताउल्लाह ईसा खेलवी की जो दुनिया पर छा गई। सारी पीटीआई को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि उन्होंने खबर तक नहीं दी, उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी अताउल्लाह ईसा खेलवी के लिए। आज उनकी सालगिरह है, कौन कौन मना रहा है? हमारे मुल्क में हम फनकारों के साथ, शायरों के साथ, आर्टिस्ट के साथ ये जुल्म, ये ज्यादती क्यों करते हैं? होश कर लीजिए, अब भी होश कर लीजिए।
इज्जत सीख लीजिए हमारे इन लोगों की, ये हमारा वर्षा है, ये हमारी असल जायदाद है, ये हमारी असल पहचान है, ये हमारा असल फेस है। इन चेहरों को पीछे कर दें तो पीछे हमारे पास क्या बचता है? दहशतगर्दी, खुदकुश हमले, चोर बाजारी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ये रह जाता पास। ये फनकार हैं जो हमारे लिए खुशी, मुसर्रत और तमानियत का बायस है। दूसरी बात दोस्तों, शुक्रिया अदा करने वाली कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो डॉलर का जो है ना साइन वो आ गया है। यूट्यूब वालों ने मुबारकबाद भेजी है, मुझे ही नहीं आपको भी साथ है, कि सफी साहब आप और आपके व्यूवर्स को बहुत मुबारक हो कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है।